देखो रिस्क है, दे भी सकती है लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद फिर टूट गया पानी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ मोटर मोटर है, पंप भी पानी में नहीं थी। बारिश होगी अभी 1 महीने बाद पूरी तरह से, तब थोड़ा सा वाटर लेवल उठेगा। और अगर ये 4 दिन गर्मी और पड़ेगी, 4-6 दिन 10 दिन, तो 10 दिन में वाटर लेवल खत्म, फिर कहाँ से पानी की पूर्ति करेंगे। बचपन से सुना था कि एक दिन रेगिस्तान दिल्ली को निगल जाएगा। शहर में रहने वालों को भी देर सबेर पानी की कीमत मालूम पड़ ही जाती है। एंटार्क्टिका की पिघलती बर्फ हो या दिल्ली का गिरता जलस्तर, अखबारी खबरों से हम मोटी चमड़ी वालों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर अपने घर में चुल्लू भर पानी भी ना हो तो गला खुश्क हो जाता है। सन 2010 में हमारे घर भी पानी सूख गया। अब तो पर्यावरण के पंडित भी कह रहे हैं कि रेगिस्तान दिल्ली को निगल जाएगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सन 2021 तक ज़्यादातर महानगरों का भूमिगत जल खत्म हो चुका होगा। भगवान, अरे राम जी बूढ़ा कर दिया रे। राजस्थान का तो कालिदास के मेघ से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पानी के मामले में राजस्थान ने न तो कभी कालाहांडी की किल्लत देखी न मुंबई महानगर की। आखिर ऐसा कौन सा विज्ञान उनके पास है जिसे सरकारी नीति और नई तालीम अब तक नहीं समझ पाई। इसी उधेड़बुन में अनुपम मिश्र जी से चर्चा हुई। गांधीवादी, पर्यावरण के पंडित और लेखनी के जादूगर अनुपम भाई ने हमें राजस्थान में लापोड़िया जाने को कहा। वहां लक्ष्मण सिंह जी का काम देखकर आओ। फिर क्या था, गाड़ी में 2 कैमरे और 4 हम जा पहुंचे लापोड़िया। लापोड़िया एक छोटा सा गांव है दूदू तहसील में, जयपुर और अजमेर शरीफ के बीच। जल को क्यों बचाते हैं? जल को बचाना चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए सर? पानी नहीं होगा तो सर काल पड़ जाएगा। हाँ सर, हम मर जाएंगे, पानी नहीं होगा तो। यही है वो ग्रामोफोन जिसका मनोज कुमार जी के गीत सुनते थे हम लोग। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती। इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी। हमारी धरती तो सोना नहीं उगल रही थी, इसी गीत ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि हमारे गांव और हमारे राजस्थान में सोना उगले। जल्दी चलना तो बढ़िया, सुबह फिर आप कत्ती जल्दी कोशिश करना तो अपन सुबह 10:30 बजे ऐसे भागता भागता नगर में निकलते हैं तो काल पागी पहुँचना। मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप साइड में बैठेंगे और गीत गाते चलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर 8 बजे निकलना जाना चाहिए। तो ठीक है, काम किया जाए फिर। एक ज़माना था कि लापोड़िया में एक तालाब भी टूटा हुआ। वो ज़माना था कि हम तब बच्चे थे और पानी की कमी महसूस की हम लोगों ने। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कमी कैसे दूर की जाएगी। तब ये पुस्तक मिली, चारों तरफ से देखा और गीता की जैसे इसको रखते थे हम लोग। और एक दफ़ा नहीं, बार बार पढ़ते थे। जब बार बार पढ़ने लगे तो ये चीज़ समझ में आने लगी कि बरसात का पानी तालाब में रुकता है और तालाब कितने प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं, कोनी कैसे होती है, लाखेटा किसे बोलते हैं, तालाब का नामांकरण कैसे किया जाता है। तो हमने गांव के साथ बातचीत की कि इस किताब को पढ़ो और तालाब बनाओ तो कुओं में पानी आ सकता है। तो हमारे पास ना पैसा हमारे पास था, न पंचायत के पास था, ना तब सरकारें भी तालाबों के लिए पैसा नहीं देती थी। तो हमने श्रमदान से काम किया। तो हमने कहा ताश मत खेलो, हम सब तालाब बनाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तालाब बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। और फिर एक सिस्टम खड़ा किया, 100 लोग रोज़ जाएं और तालाब बनाएं। 2 महीने में उस तालाब को हमने ठीक कर लिया और तुरंत बारिश आ गई तो हमारे यहाँ 103 कुएँ पहले से थे, उनमें पानी आने लगा और उन कुओं से भी खेती होने लगी, तालाब से भी खेती होने लगी। तो लोगों में उत्साह भरा, मज़ा आया। पहला तालाब जब टूटा हुआ था उसको ठीक किया, उसका नाम नहीं था तो हमने उसका अन्न सागर नाम रखा, क्योंकि लोगों के लिए अनाज चाहिए। वैसे लोग भूखे मर सकते हैं। तो उस पर 2 कैनाल्स निकाली और सिंचाई होने लगी तो 100 बीघा ज़मीन सिंचित हुई। दूसरा तालाब बनाया फूल सागर, ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, यानी कि ज़मीन में पानी ऊपर होगा तो हमारे हरियाली ऊपर अच्छी रहेगी, उस पर फूल आएंगे, इसलिए नाम फूल सागर रखा। देव सागर भी हमने एक साल में कंप्लीट कर लिया और भगवान के चबूतरे बनाए, छतरियाँ बनाई, एक गांव बनता है ऐसे हमने गांव बनाया। पुराने 3 तालाब भरे तो फिर नए तालाब नाड़ियाँ बनाई, छोटे तालाब, बड़े तालाब, और फिर उनके बाद पानी भरता भरता फिर नदी की ओर। तो नदी का पानी भी अगले गांव में जाना चाहिए, तो नहरों की आवश्यकता पड़ी। यानी कि गागड़ू गांव का पानी सब तालाबों में भरने के बाद जब ओवरफ्लो करेगा तो लापोड़िया की तरफ आएगा नहर के द्वारा, और लापोड़िया में पुराने तालाबों में आएगा पानी, पुराने तालाबों से निकलता हुआ नए तालाबों में, और नए तालाबों से जब पानी निकलेगा तो वो उर्शवा की तरफ जाएगा। ऐसे करके 50 किलोमीटर की दूरी में तालाब बना करके नहर को जोड़ दिया गया। एक गांव में अगर काम करते हम तो पानी 2 महीने बाद खिसक जाता है, ज़मीन का पानी चलता रहता है, जैसे शरीर में खून चलता है, अगर पानी रुक गया तो खराब होता है। जो ज़मीन का पानी है वो फ्लोराइड है, और ये सबसे ज़्यादा सर्वे के अंदर हमारी तहसील दूदू बिल्कुल लाल सर्वे में है कि दूदू का पानी बिल्कुल फ्लोराइड है। उससे पीने के लिए आदमी बीमार होता है, और जितनी कमाई करता है उसमें से 80% बीमारी में लगता है पैसा। इसलिए इसको पीने के लिए भी बिसलपुर बांध से लाइन बिछा के और बरसात का पानी पीने के लिए भी सरकार ने योजना बना के दी है। इसीलिए राजस्थान में बरसात के पानी का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। बादले बरस क्यों न ये बिजला चमक क्यों न काटू वाला मंदरिया में थोड़ा सा सोख राध क्या पायल फेरो ये राध क्या बिछिया फेरो जड़ बोडल को भरो बेवड़ो थोड़ा सा सींचो। ये तराका है, ये तराका के मायने न तो पेट जा कहीं भी गोंजो पशु चराबा था, छंगीर ले रहा था तो छावली छंगीर की छावली बैठता न पानी पीने को दो नाडियाडियाँ कुछ भी कौन जी। एक मायने ग्राम विकास नोए मंडल लापोड़िया लक्ष्मण सिंह जी, मंगल सिंह जी, अरे ग्राम होता जी, 3 दिन तराका में घूमिया और पेड़ कटान बंद गया। तो पेड़ कटान बंद करता ही माँ लोगों के बेम पैदा हो गयो, तो तराका का मालिक बन चुका लक्ष्मण सिंह जी। तो बेम पैदा हो गई जो मैं कहें गिरा जो लक्ष्मण सिंह जी की विरोधी के मायने खड़ा हो गया कि आप तो तराका का देनी बन गया, बड़े भीड़ 2000 बीघा जमीन कांकड़ में जाए भीड़ में, और आज तराका ने और थे कोस लिया। जब मैं नावड़िया जो जा पंचायती के मायने और 2100 रुपया के मायने ठेको को छुड़ा लिया पेट कटाबा को। तराका में आया और शाम का लक्ष्मण सिंह जी के पत्नी भाई सा अरे 5 साल लोग साथ कमायना ई जगह, और आप गाड़ी ले यार छोटी बेलई गाड़ी और यहाँ डेला डाल दिया। मैं काय गिरिया जो गांव ने भेड़ो गिरियो, पूरा गांव ने भेड़ो करे, हिंदू ने गऊ की शोगन है, मुसलमान ने सूर की शोगन है, खड़ा कोड़ा लेकर सुबह चलना, पूरा पेड़ ने काटाना, पूरा गांव ढोल बजा ले कोड़ा और चराका के मायने में अडाया। और मैं भी आज सो लिया भाई, लक्ष्मण सिंह जी ने भी काट दिया और पेड़ ने भी काट दिया। और लक्ष्मण सिंह जी दे गया भाई मन काट दियो, पेड़ मत काटो। तो यान करता करता मांगा बर्बाद पैदा हो गयो। कैसा पेड़ बचला ने तो जान बचली, और पेड़ न बचाने तो आप कहीं भी न बचाओ। पेड़ तय हो भाई बलाती बुढ़िया ने जड़सू काढ़ू, देसी बम्बूल, केर, नीम, खेजड़ी और आकड़ा अंको न काढ़ू, आने चराका का मान पे करना पर चराका ने बचाइयो। और आज दूसरा गाँव का मान आसपास का गाँव में देवबनी चालू करी जा, और गाँव में जागृति करा जाए। आज कम से कम 7 जिला में काम कर लिया जाए, और आज लापोड़िया गांव को देश में नाम है। बस यात्रा आई है लेकर के संदेश, माया लेकर के संदेश। अरे अपना गांव रा काकड़ माए और बना जो नाडी, अपना गांव रा काकड़ माए और बना जो नाडी। अरे पानी पीसी प्यास बुझासी देखो भैंस पाड़ी। माया पद यात्रा आई है लेकर के संदेश, माया लेकर के संदेश। जब हम ये काम कर रहे थे तो हम कोशिश कर रहे थे कि ये काम दूसरे गांव में भी फैले, क्योंकि एक खेत का या एक गांव का काम पूर्ण नहीं माना जाता। जब पानी चलता है तो नदियों से कई गांवों से होता हुआ जाता है, जब जंगल लगते हैं तो एक गांव से नहीं चलता है काम। एक सिर्फ गाय भैंस रख लें इससे काम नहीं चलता है, बड़ा काम चाहिए। जीव जंतु, पानी, कई तालाब, कई गांव, कई लोग, तो हमें वो चाहिए था। तो भी एक यात्रा निकाली और अनुपम भाई साहब को बुलाया, तो यात्रा में आए तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले साल देव उठनी या एकादशी को निकाल। विसर्जन कर दी गई हरि गंगा सिंधु। चलो बाबा ऊपर चलो, अड्डों पकड़ने में तो बड़े पता रहे था ऊपर अंदर का निकले। चलो अपने पकड़े। हमारे गांव में 400 बीघा गोचर भूमि है और राजस्थान के पशु जो है वो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव घूमते हुए आगे तक जाते हैं और फिर वापस आते रहते हैं। तो उनके लिए गोचर भूमि होती है हर गांव में। और कोई भी जीव, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, गायें हैं, वो सब गोचर भूमि पर निर्भर है। गोचर भूमि के नीचे एक तालाब होता है। जब अच्छी बारिश होती है, अच्छी यानी कि 600 से ऊपर 800 mm बारिश, तो एकदम पानी आता है, तालाब टूट जाता है। फिर दूसरे गांव का, तीसरे गांव का, फिर फ्लड बोला जाता है कि साहब अब बाढ़ आ गया है। सरकारी कार्यक्रम बाढ़ रात चलते, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा कि गोचर भूमि पे क्या सिस्टम हो, क्या तरीका हो पानी रोकने का। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि जो बरसात का पानी आता है वो जगह जगह रुके। तो जगह कितना रुके? 9 इंच रुके। और जब 9 इंच पानी रुकता है तो मॉइस्चर बढ़ता है ज़मीन में, यानी कि नमी बढ़ती है। और जब नमी बढ़ने लगती है तो घास आने लगते हैं, पेड़ उगने लगते हैं। तो हमने फिर ऐसा एक चौका सिस्टम नाम दिया कि पानी को ऐसे पकड़ा जाए, ये साइड बंड, ये साइड बंड और ये हेड बंड, यानी कि यों ऐसे बनाया जाए। सामने से पानी आए, 9 इंच हेड बंड पर चढ़े और साइड में और फ्लो कर जाए, फिर दूसरे चौके में, फिर तीसरे चौके में, फिर चौके, एक सीरीज में पानी घूमता रहेगा। वो तालाब भी भर जाएंगे, चौके भी भर जाएंगे, तो पानी दूसरे गांव में जाने लगेगा। मान लीजिए दूसरे गांव में भी अच्छी बारिश है तो तीसरे गांव में, चौथे गांव में, ऐसे 50 गांव में पानी जाएगा। उसके बाद सब गांवों के, सब नहरों के, सब तालाबों के ओवरफ्लो बने हुए हैं, तो सब ओवरफ्लो चलेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, ना चौका टूटेगा, ना तालाब, और न एक गांव से दूसरे गांव से जो जोड़ती है नहर, ना वो टूटेगी, और पानी लगातार ठीक से चलेगा। गोचर में अच्छी घास आए, सब पशु चरेंगे, गाय चरेगी, भैंस चरेगी, भेड़ चरेगी, तो गांव की इनकम बढ़ेगी। इनकम तो बढ़ेगी, दूध कब बढ़ेगा? जब उनकी नस्लें अच्छी हो। हमने गुजरात में जाकर के गायों के सांड खरीदे और हर गांव में छोड़े। एक ही साल में 80 सांड खरीदे, यानी कि 80 गांव में छोड़े गए। तो उन्होंने सब नस्लों को गिर में बदल दिया। ये गिर देशी गाय है, उसके थुआ होता है यहाँ कंधों पर ऊंचाई। होलिस्टन और जर्सी ऐसी होती है सीधी, जैसे भैंस होती है, और भैंस का दूध और जर्सी होलिस्टन का दूध अच्छा नहीं माना जाता हमारे देश में, वहाँ अच्छा मानते होंगे। तो देशी गायों को पनपाया, 15 से 20 किलो दूध देती है गायें। डेयरी है, कलेक्शन डेयरी, वहाँ सब लोग दूध लेके रखते हैं, दूध बिकता है और लोग मालामाल हैं। मालामाल का मतलब छोटा से छोटा घर में भी 10,000 रुपये महीने का दूध की इनकम होती है। कुछ घर ऐसे भी है जो हर महीने 60,000 रुपये का दूध बिकता है। कार निहारा, मानव तुहन बन ये मन मारा। यह कही हरकत आई भांति, मनो मुझे दहो लाए गिराती। सीता राम चरण रति मोरे, अनु देने वाला से अनुग्रह तेरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिकल बिलोक सुतहि समझावत, मनम जरी पर लोन लगावत। गाया श्री दूध होया चौका, चौका शब्द बोलना है 58 गाँव में, लापोडिया में 58 गाँव में चौका लग जाएगा अगर उतरा में। हाँ, चौका बनाया लापोड़िया में नदा 58 गाँव के मायने जतरा भी एक गौतरा था, नदा जाके मायने सब में चौका लगाया। नदा नाइडिया में पानी भी हो, नदा घास हो, नदा अड़ाफ अड़ाफ डंडा तिरिया तो नदा बगे दूध यो नदा खूब चारा जी कमी को नदा पानी की कमी को नदा। सन 2017 अनुपम भाई के चले जाने के बाद एक अधूरे वायदे को पूरा करने हम लापोड़िया लौटे। बारिश नहीं, पानी नहीं, मेरा देश में मैं तो मैं भेड़ खाए क्या पीता है, बांस क्या पीता है, गऊ क्या पीता है, मन क्या नाता है, दुख पाता है गाड़ा। बहुत तंगी एरिया में गाड़ा। कितने बरस से बारिश नहीं हुई? ये 12 महीना में ये कौन जो देखो रीतो ही पड़ी, अड्डे सालो रीता ही पड़ा। प्यास लग रही गंगा का पानी भर दे पानी का पानी, बेवड़ा भर दे सरा का भर दे सरा का भर दे। जहाँ 7 साल पहले हमने भरे हुए तालाब और लहलहाती हुई फसलें देखी थीं, वहीं पानी के पंप देखने को मिले। हुआ ये कि सब्र के फल की तरह 2015 में बीसलपुर बांध का पानी लापोड़िया और नगर भी पहुंचा। बांध का पानी तो आया, पर साथ आया पानी का बिल। जिस समाज ने पानी को हमेशा इंद्रदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया हो, उसे पानी का बिल कुछ अटपटा सा लगा। कुछ लोगों ने नहीं भरा तो सबका पानी बंद हो गया। पिछले 1 साल से सूखे नल पानी की राह देख रहे हैं। जब नलों में पानी आने लगा तो लोग नदी को भूल गए कि पानी तो नदी से ही आ रहा है। कुछ ही समय में नदी, तालाब, कुएं सब बराबर हो गए। बीसलपुर के पानी से काम चल जाता है। हाँ, आ जाएंगे पानी बम्बो तलाजो शान को कमाना आएंगे तो भर जाएंगे ना। बो दोबो भेड़ गऊ डंडो ना बो दोबो लूटी बस्ती रहेगी, लूटो गांव रेगियो, बहुत तंगी एरियो घाटो। भाई नाला सफाई ज्यादा बढ़िया रहे तो बीसलपुर को रख दे आई एक दिन नाव है और बीसलपुर को आ जाए तो बढ़िया ही है। बड़ा आगा नाला साफ हो जाने तो पानी तो थोड़ी बरसात हो तो पानी आ जाए। नाला तो साफ हुई पर पानी तो आज ही आनो था। बीसलपुर को आज तो मंत्र को नहीं गाड़ी में आओ लो नहीं बीसलपुर को पानी तो वो तो दलकी आ जाओ नल खोल दे तो पानी आ जा और यहाँ से अंदर तो कहा खंदाड़ बरस लो और खंदाड़ तालाब भर लो। बुरा समय आ गया था। भोपा होते तो जरूर बताते कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया था। जो सरंस परंपराएं मान्यताएं तालाब बनाती थी वे ही सूखने लगी थी। आप कौन से गांव में रहते हो? नगर में। तो नगर में कितने कुएं हैं? 10। और तालाब कितने हैं? 1। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? नरा बड़ा है। इसमें पानी कितना है? बहुत सारा। कितना पानी है आपके तालाब में इस वक्त? थोड़ा ही है। और कुएं में? कुएं है कम है। कम है लेकिन। कम है? हाँ। मीठा है? हाँ। आपको कुएं का पानी अच्छा लगता है? हाँ। आपको भी अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि हम दोनों बहनी हैं। क्यों अच्छा लगता है दोनों को? क्योंकि बहुत मीठा होता है वो। अच्छा, सब लोग वहाँ से लेने जाते हैं। अच्छा, बढ़िया। तालाब से कोई नहीं लेने जाता है, तालाब में सुखाड़ पड़ गया ना। तालाब का पानी और गंदा भी होता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे आते हैं और गंदे कपड़े और शैम्पूला इसमें डाल देते हैं, पी नहीं सकते उससे। गंदा पानी तो गटर में डाल हकीकत बात है जी, पानी से कपड़ा धो रहे हैं इसी की वजह से तो धूप आ रहे हैं। यही तो है, घर में नल नहीं है तो अब देखो इतने कपड़े होते हैं रोज, तो इनको भी घर पे भी कहाँ से तो टैंकर डलवाते हैं हम तो पानी का। 300 रुपये का एक टैंकर आता है। परेशानी तालाब न ना देवताओं को जो तालाब और माँ का बर्मा लगवा दे, बोरिंग लगवा दे तो मैं लुगैन ना लिया दो लिया माताराम इम दो वहाँ तो माँ के देवता के जल छे छे और दोष करे छे माने जलमकाई नन्ना वहाँ जे मैं लुगैया परेशान हो गाड़ी भरमा कुदाओ माँ के दो ये भाई पानी की समस्या जाती दूर से परेशानी होता है पानी लेवा वहाँ तो नहीं है तो माँ के पानी की व्यवस्था करो। नल नहीं है ना कोना नल कोना आ रहा मारे कायारो बोलावे रंग उड़ जाशे एक दिन फूल डोक मारे कायारो भरोसो को दिल भर को राम जी को नाम लल यादो यावलो मारी कायारो भरोसो को न भरे को राम जी को नाम लल आया किस्मत तो जाने दे नलों ने बंद क्यों कर दिया मां कन ग्रां ग्रां में दियो नलो यहाँ तो लड़ाई हो जाए दुनिया बातों करे मुँह पर बात करे मुँह पर ली चार बार लिया तो चार बार यही जाओ रही मारी हाथ उबी रही मुँह पर लिया तो यो उबो ही रहो गरम गरम ही दे दियो माताराम माँ का बिसलपुर को पानी मारो फिर से डीना है ना। हाँ आपका तालाब तो बहुत अच्छा है वो तो अंदर राजो भर दियो ना तो माँ का ही खाली रह जाता अंदर राजो भगवान ना अलगियो कंवर जी महाराज नाता जी का प्रताप न तो भगवान का लीला से कोई गम होगी प्रकार कोई गम नहीं ये खेत में पैदा होगी मारे नहीं और इक नहीं मारे होगी पैदा यान हो रही जब तो राम राम लादी बाबू भाषण दे इको 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 खाजो फोटू मार तो खसगी ए यार जा के खाज रिया जे यान का या के ओरी जे गागरा नु जो टाकर मार तो गागरो उतर टके रे लो दाज गुरा म जा को जी किस गए सारी यार टकी आई बाज है मातो घड़ा गए। अरे चाउंडा जी फोटो कहाँ से पानी आ जाता हाँ रहा कहीं साहब से मैं दुख पा रहा बूढ़ा बडेरा हूँ ना तो पानी आवे थोड़ा साहब रहा तो कटू लिया मैं कटू लिया अरे आजकल बेटा पूछे जी न्यारा न्यारा रहे से हाँ जो वो पानी लिया खून मिल रहे माँ के ना वहाँ भी हणियों दो वहाँ भी हणियों बूढ़ा बूढ़ी दोनों डोकरा डोकरी पर मैं अब कहीं करा अब करा ही सब पाशियाँ खाऊँ वहीं से कहीं करा हाँ 5 दिन 10 दिन एक ठा ना वहाँ हाँ डोकरा का तो मल्ल के यहाँ मेल ही जा जा से जो दो ही को भाई पानी को कहीं अरे मैं कौन सो भाई अरे गोडम बा आ रही से हाँ कौन पाओ से कोई न पाओ पानी खुद बेटा चढ़िया से जो न पाओ जो दूजा कितने पाओ हाँ बताओ हेलो हाँ बस ले वहाँ से कटाऊँ कटाऊँ और अब ओद भी करावा था बूढ़ा बूढ़िया न्यारा ताड़ दिया जो कटे सका हाँ वहाँ चाल तो बेटी की बा सीताराम 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 हाँ पानी 15-20 साल से ही कम से कम होता ही गया अब के तो बिल्कुल ही सूख ही गया। गोचर 600 बीघा जमीन है उसका पानी आता है इस तालाब में तो अब आजकल कम आता है अब स्टेट की यानी कि काल की घोषणा है, ये बार जमुनो जाए ये बार काल पड़ जाए, दो बार पड़ा काल ये बार कम पानी में पहले 10-15 दिन 20 दिन में नाव जा अब हाँ। अब तो ना कम से पानी कम में ही नाव 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में। अब आपका काम है पानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। पानी के लिए ये सब है, जो सब पानी की माया है। नाच धान भी करते हैं तो आदमी भी टाइम पर पल जाते हैं। अब खेत में पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ हमारे पानी पीने का भी नहीं मिलता है। कोई पानी में तो कुएं में तो खारा है पानी, कोई में कड़ा है पानी। इसे लेके 2-2 कोस पानी के लेके माथा पर चलती गए। इतनी मुसीबत है। कहाँ का पानी नट गया पानी तो नट गया पानी के नट गया। नल नहीं चल रहा, नल नहीं चल रहा, नल नहीं चल रहा। प्यास लग रही, प्यास लग रही। गंगा का पानी भर दे पानी का पानी। बेवड़ा भर दे, सरा का भर दे, सरा का भर दे। हमारे तो राजस्थान में कमती बारिश कम और ज़्यादा होती आई है। इस साल बारिश कम हुई है तो अगले साल ज़्यादा होगी। हम निराश नहीं हो सकते। जिस धरती पर पैदा हुए हैं तो बारिश तो कमती बत्ती होती है। तो कोई हमें अकाल नाम का कोई शब्द बोलता है तो हमें डर नहीं लगता है। हम उसको मैनेज करने जानते हैं। सच पूछो तो मैं सन 1973 में पढ़ाई छोड़ चुका था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और मैंने ये ठीक नहीं समझा कि मैं आगे पढ़ाई करता रहूं। मैंने ठीक समझा कि मैं हाथ से काम करूं और उससे मेरा दिमाग बनाऊं। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ करके हाथ में कुदाल ली। तो आज लोग हमारी पुस्तक लिखते हैं। लिखा है चौका मैनुअल, जो राजस्थान सरकार के सामने विधानसभा में पेश की गई थी। इंजीनियर बड़ी बात नहीं होती है। वो इंजीनियर होता है जो खोज करता है। तो हमने मिट्टी बनाने की खोज की। मिट्टी बनाने की फैक्ट्री नहीं होती है, तो दीमक मिट्टी बनाती है। और ये इंजीनियर्स जो हैं सारे कीटनाशक छिड़क करके दीमक मारते हैं। इसका मतलब मिट्टी को रोकते हैं आगे नहीं बने। मिट्टी हमें सब कुछ देती है। मिट्टी के अलावा और कोई कीमत नहीं होती है। रिजर्व फॉरेस्ट शब्द हम लेते नहीं हैं, लेकिन वैसा बनाया जिनका नाम दिया देवबनी। ये वन्य जीव के प्राणी के लिए बनाई गई है। यहाँ आवास करेंगे, अंडे देंगे, बच्चे देंगे, घोंसले बनाएंगे। यहाँ घास पेड़ कोई छटाई कटाई नहीं होगी और इसमें कोई पालतू पे गाय भैंस बकरी ये भी इसमें नहीं जाएगी। और ऐसा एक देवबनी यहाँ बनाई, एक नहीं अनेक, सरकारी में भी और लोगों के खेतों में भी बनाई, मंदिरों के पास भी बनाई। यानी कि लापोड़िया में 36 बनियां हैं, एक बनी और अनोखी है जो भारत में एक है, चूहा घर। सारे लोग चूहे के पीछे पड़े, पता नहीं क्यों। राजस्थान सरकार तो बजट रखती है चूहा मारने का। अरे भाई, प्रकृति ने चूहा बनाया तो सोच के बनाया है। वो हर चीज को कुतरता है, फिर दीमक खाती है, फिर उसे मिट्टी बनती है, वो जमीन को पोली करता है, जब बीज गिरता है तो पेड़ उगता है। पेड़ों को थोड़ी खाता है चूहा, तो जंगल लगाने का काम करता है चूहा। अगर चूहों को आप मार दोगे तो चील कहाँ बचेगी, सांप कहाँ बचेंगे, बिल्ली कहाँ बचेगी। ले काबरी है, ले 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 काबरी है। मेरे साथ पूरे जंगलों में घूमे हो, पूरे तालाबों पे घूमे हो, चरागाहों में घूमे हो, मेरे साथ तो आप चले हो। वो आपने कहा था ना, मुझे हवाई जहाज में नहीं बैठाया, हमने आपको बैठा दिया। यहाँ से अपन दिल्ली तो बस में गए थे और दिल्ली से काय में गए, हवाई जहाज में गए थे। आपने कहा मुझे बैठाया नहीं, तो अब तो आप ये नहीं बोलेंगे ना मुझे हवाई जहाज में नहीं बैठाया। चलें, चलो अब आपको खेतों की सैर करा के लाता हूँ। चलो बैठिए। हाँ। लापोड़िया से काम शुरू किया चौके का, 58 गांव में बना चुके। आज आप 58 गांव को कोई देखता है तो महसूस करता है कि आज राजस्थान में नहीं कहीं कोई अच्छी बारिश वाले इलाके में है। और आज 58 गांव में पशुपालन, दूध, कृषि जम करके होती है। कुमारिया वो लीला आदमी जैसा लगा दिया तो। अब थोड़ा रगड़े काटो भाई, चारा दे दे, चारा ही पुलिया ना निकल जमाबो। फिर ज्वार बीजिया, फिर थोड़ी बरसात कम हो पाओ, थोड़ी लाची रहेगी। और अब आदमी कर रहा ना कटाई रहा जा, आदमी बहुत महंगा मिल रहा है, 300-300 रुपया रेट में आदमी ले रहा है। और फसल क्योंकि पाली बरसात हो जाए तो पाली फसल की भी उम्मीद है। पाजन राड़ सरसों चना जो गेहूँ भी बजेला, वो काम भी करना जे। तरबूज दूसरा गाँव में आदमी लेना थे, ट्रैक्टर लगाना थे, मैंने 2-3 गाँव में भागो थे दौड़ो। काल भी गया था 2-3 आया था आदमी लेओ और आने कटाओ और फसल उबी जाए और आदमी कम मदरिया जाए और आदमी लेओ काई जो रेट ले ले पीसा ले जाओ दे। हाँ लेओ हाँ दस साल काल पड़ा जाने बेरा भी चलिया है, काल भी पड़ा है, नहाज भी होया है, बने हमेर जरूरत का पुलिस चलता रही है। पानी टैंकर लगा भाई जरूरत नहीं पड़ी, ये पानी रुकवा से न तो पहले तो जरूरत पड़ती इतना फर्क पड़ गया। जो लापोड़िया गांव है जिसका गांव दूसरा बनना चाहिए, तो यहाँ ना आस पास का गांव तो बना चुके हैं। हम गुजरात में जाकर ट्रेनिंग दीजिए, लोगों के साथ बात करिए, बड़े चौका चालू कराया, बहुत बढ़िया चौका बनाया, वहाँ बहुत बढ़िया काम चले है। दोसा के माइन जिलाओं में काम कर रहे हैं, पाली जिला में निकट बनाए हैं, नाडिया बनाए हैं, चराका में चौका बनाए हैं। हम जाकर ट्रेनिंग देख रहे थे, हम फरीम काम करते हैं, कोई पीछे से काम नहीं करते, हम ऐसे मस्जिद के लिए जाते हैं। जब आज काम सही है ना तो हमारी आत्मा सही है। हम भी खुद लक्ष्मण सिंह जी उदारा लेकर और 2 बगीचे बनाई, चुआगर बनाया, देवबनी बनाई, उदारा पिसा लेकर ऐसे ऐसे सब गांवों का मान चालू काम हो गया। कोई 10 पेड़ लगा रहे हैं, कोई 5 पेड़ लगा रहे हैं, कोई 20 पेड़ लगा रहे हैं। संता पेड़ जाकर देती थी और वो पार उशार करता हुआ जज्बा संता का काम थोड़ा सा ऊंचा जी। बात के मायने राष्ट्रपति पुरस्कार लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया संता को मिले। लेकिन जब गांव का कोई विकास करने जाए डिग्री लेकर के, तो पहले गांव में उतर करके उस पर PhD करनी चाहिए, तब वो गांव का ढंग से विकास कर पाएगा। वरना आपके ये जो अभी जो पढ़ाई है ये तो अलग है साहब। हम ऐसा मानते हैं कि कोई पढ़ाई लिखाई करके आता है तो वो कमीशन लेने के लिए आता होगा, अपनी बात को ज़बरदस्ती से सही हो चाहे ना सही हो उसको ठहराता है जोरी ज़बरदस्ती, वो चीज़ नहीं। गांव को समझिए, गांव की व्यवस्था को समझिए, गांव को ज्ञान को समझिए, गांव की तकनीक को समझिए, फिर विकास करें तो हम जल्दी सफल होंगे। अरे चोरा ओढ़ना हो, रेडी ना हो, अरे चोरा ओढ़ना हो। एक है कि हम समाज से जानना चाहते हैं कि समाज को नदी की जरूरत है कि नहीं है, आपको जरूरत है कि नहीं। दूसरा बात, अगर जरूरत है तो इसका मालिकाना हक किसके पास है, आपके पास है, किसके पास है। अगर आपके नदी में कोई कब्जा कर रहा है तो आप किसको कहेंगे। सरकार ने एक कानून बना दिया है 2015 में कि अब नदियों का प्रबंधन समाज करेगा और नदी बेसिन वाइज होगा। यही इसमें छोटी सी बात है। तो आज हम इसका आपके गांव से इसको उद्घाटन कर रहे हैं। सब लोग सहमत है ना इसमें कि नदी आपकी है और नदी की जरूरत है? बिल्कुल सर, हम इसको ठीक करेंगे। आप जीवन नदी को वास्ते नदी आपा इन्हें माना और इन्हें माँ माना, आ नहीं के इन्हें पगों रोनता रहा। आप धर्म गाय पालवा को से, नदिया ने संवारवा को से, खेता ने संवारवा को से, और संवार ज्ञान पेड़ लगा। हर इंसान को धर्म से जो जीव पर सांस ले रही है। ये गांव में माँ को नेता को नहीं छोटा लगा बदाव लगा कोई नेता को नहीं। हाँ सर, तो ये खुद काम ने ये बड़ा बाजू कौन सब्जियों ये गांव में सीधे आज क्या फाटा बाल में जाते कोई तो किसी देवोगर धाम दिए तो किसी देवोगर आम का है तो अच्छी बात है। सुधरे कोई भगौड़े तो जाइए ये नहीं एक ने तो कौन मार लगा। अब आप मासी नदी जल संरक्षण जल संसद बनाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे, ये हमारी रक्षा करेगी। फिर मिलके और इन बच्चों के लिए काम करेंगे। अपन तो 10-20 साल बाद मर जाएंगे, ये बच्चे कैसे जिएंगे बिगर पानी? तो ये थी कहानी लापोड़िया की। अगर एक छोटे से गांव की एक छोटी सी संस्था 58 गांवों की कायापलट कर सकती है, तो राज और समाज मिलकर क्या नहीं कर सकते? बरिया बरिया ए भाई मारी समदरी यो तालाव बरियो बरियो ए नाळंदल भीमडलो तळा वे नळ दे भोजाये पाणी हो सरे हो रा मे नळ दे भोजाये पाणी हो सरे हो रा। अभी भेड़ बकरियां पानी कैसे पीती? ये सब आता बस समझ गया ये बात। भेड़ पानी खड़े पिए ए नावा खड़े खाना खड़े दो ये सब आता है।